कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर बिलावर को जिले का दर्जा नहीं दिया। बिलावर के साला, नगरोटा, मंडली, फिंटर, बिलावर सिटी, बद्दू और परनाला जैसे क्षेत्रों में शनिवार को चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब भी भाजपा ने हमेशा इस पहाड़ी क्षेत्र को जिले का दर्जा देने की वकालत की, लेकिन कांग्रेस ने क्षेत्रीय लोगों को इससे वंचित रखा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के अपने संगठनात्मक स्तर पर बिलावर, बसोली व बनी क्षेत्र को जिले का दर्जा दिया है और दो दशक पूर्व ही भाजपा ने कठुआ के लिए जब अलग से जिला प्रधान बनाया था और तब ही बिलावर क्षेत्र के लिए भी अलग से जिला प्रधान बनाया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब जिलों की हदबंदी हुई तब कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस ने जिलों की हदबंदी करते हुए भेदभाव किया। कांग्रेस ने कश्मीर व जम्मू में 10-10 जिले बनाए। कश्मीर में छोटे छोटे जिलों को भी दो जिलों में विभाजित कर दिया, जबकि जम्मू में कठुआ जैसे बड़े जिले में भी अलग से जिले नहीं बनाए और भाजपा की मांग को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में जब से मोदी ने देश की सत्ता संभाली है हर क्षेत्र का बराबर विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार सड़क संपर्क इतना मजबूत हुआ है कि आज जम्मू से बिलावर सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ये 2014 से पहले संभव नहीं था।